जिला। चाचा कहाँ से? हम जहानाबाद जिला से। सब जहानाबाद से? जी हाँ सर। अच्छा सही सही बताइएगा। हाँ। कुछ नहीं नहीं मिला, अपना भाड़ा चंदा करके फंस लाए हैं। अच्छा। हाँ। लोग कहता है कि पैसा से? नहीं नहीं कहता, से गलत कहता है। गलत कहता है। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। कितना पैसा लिए? पैसा कहाँ है? पैसा नहीं लिए हैं। पैसा क्या? सब भीड़ बिना पैसा का है? अपना पैसा, इतना भीड़ हो जाएगा, अपना पैसा हम लोग बस करके आए हैं। और क्या कहिएगा, बोट कटवा बोला जाता है आप लोग को? बोट कटवा कहने वाले लोग कहते हैं, हम लोग बोट कटवा नहीं है। सब एक ही जिला से? हाँ। तो बताए कितना पैसा लिए हैं? पैसा एक रुपये नहीं, हमने अपना मन लगा रहे हैं। भतीजा है लेकिन आखिर वो कार्यकर्ता है ना, काम करने चले हैं। वो एमपी नहीं ना है? अब ऐसा नहीं है बिहार की तरह जे माई मुख्यमंत्री, भाई जो है मुख्यमंत्री और पूरा खानदाने परिवार जो है नेता, वैसा नहीं ना है। वो कार्यकर्ता है, काम कर रहे हैं। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। बसपा का आज बापू सभागार में बहुत बड़ी रैली होने वाली है। एक तरीके से कह सकते हैं उनके नेता आ रहे हैं, यानी कि मायावती के भतीजे आ रहे हैं। और देखिए तमाम जो लोग हैं वो बसपा के कार्यकर्ता, उनके समर्थक जुटना चालू हो गए हैं। अब हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। बसपा का देखिए पट्टी है, ये भैया बांध रखे। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार सर। कहाँ से आए हैं? ढाना डेयरी से। अच्छा, डेयरी ऑन सुन। जहानाबाद? जहानाबाद जिला हुआ। अच्छा, जहानाबाद जिला से आए हैं। क्या लगता है बसपा बिहार में चलेगा? चलेगा सर। कैसे चलेगा? काहे ना चलेगा? आज तक चला है कभी? कभी नहीं चला है। तो आप चलेगा ना? आप चलिएगा। काहे ना चलेगा? आप लोगों को लोग कहता है वोट कटवा है आप लोग। कैसे कौन कहता है सर? काहे कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप लोग वोट काटे, भाजपा को जितवा दिए। भाजपा का कैसे जितवा दिए? भाजपा हमनी को तो आँख धीरे धीरे तो खुल रहा है। हाँ। अभी पूरा गार्जियन में जो थे उसको तो अब नहीं था ध्यान, तो अब हमनी को नौजवान को तो ध्यान पड़ा है। तो अब तो हमने मान कौन आ रहे हैं अंदर? अभी तो आ रहे हैं आकाश आनंद नाम है भतीजी के, जो भतीजे भतीजे हुए मायावती के। अच्छा, बसपा के अब कार्यकर्ता है? कार्यकर्ता है। क्या क्या काम हो रहा है बसपा के जमीनी स्तर पे? बहुत आगे तक भी काम हो रहा है, होगा भी। अच्छा। समझे ना, आने दीजिए तो बहुत आओ काम भी होगा। अच्छा। और बहुत लापरवाही बिहार में भी हो रहा था, और लापरवाही जितना हो रहा था वो सब बंद हो जाएगा। किसमें? बसपा का लापरवाही हो रहा था? नहीं बसपा तो? नहीं सरकार, सरकार का। हाँ, अब आप लोग का सरकार बनेगा? अब हाँ, आप लोग हमनी लोग का सरकार बनेगा। आप लोग सरकार? हाँ। चलिए देखिए अब सरकार कहाँ थे? धाना डेरी जहानाबाद से। अच्छा, पूरा भीड़ जहानाबाद से ही है? हाँ, इसका पूरा भीड़। पैसा पे भी है? पैसा वाला या नहीं है? पैसा वाला नहीं है? नहीं, बसपा में पैसा वाला भीड़ नहीं जुटता। बिकाऊ नहीं है सर? हाँ। हमनी बिकाऊ नहीं है। हाँ। सीधे हाथी छाप पर बटन लगाएंगे, उनको विजय बनाएंगे बस। अच्छा, बिकाऊ नहीं है? बिकाऊ नहीं है हमनी है। अच्छा, तो और क्या कहिएगा, बोट कटवा बोला जाता है आप लोग को? बोट कटवा कहने वाले लोग कहते हैं, हम लोग बोट कटवा नहीं है। तो क्या है आप? हम लोग एक भी सीट जीत के आ जाएगा? छह सीट हम लोग एमएलए में जीता है। लोकसभा की बात कर रहे, 40 का 40 जीत। अब की देखिए ना कि क्या होता है, 40 नहीं जीतेगा लेकिन हम लोग 30 का आंकड़ा लेंगे। जीतिएगा ना? दो जीतेंगे। देखिएगा 15-20 जीतेंगे बिहार में। अच्छा, आप लोग के साथ भीम आर्मी भी चलता है? तो क्या भीम आर्मी? भीम आर्मी है वो अपना न बनैले है। अगर उसको बुझाता कि हम भीम आर्मी नहीं, हम बहुजन समाज पार्टी जब शुरू से चल रहा है उसमें जुटे हैं, उसी को आगे में हम बढ़ा दें। चंद्रशेखर गलत हो गए? तो गलत तो है यहाँ, चंद्रशेखर तो गलत है यहाँ। अगर वो मन चाहते हैं कि हमारा जनता हमारा लोग आगे में बढ़े तो अलग अथिये नहीं बनाते। अच्छा। वो तो सीधे आ जाते बहुजन समाज पार्टी में। हाँ। वही आगे में बढ़ाते, मिलजुल के साथ में रहते तो वही तो आगे बढ़ता। बिल्कुल। कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। कितना पैसा लिए? पैसा कहाँ है? पैसा नहीं लिए हैं। पैसा क्या? सब भीड़ बिना पैसा का है? हाँ, अपना पैसा। इतना भीड़ हो जाएगा? अपना पैसा हम लोग बस करके आए हैं। अपना खाना खाएंगे पैसा से सब लोग, समझे? ये नहीं है कि हम कौन सा पार्टी पैसा लेके बुलाता है, लोग भीड़ बुलाता है। हम मुझे कौन कौन सा पार्टी है जिसको आप जानते हैं वो पैसा लेके बुलाता है? हमसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। पैसा लेके भीड़ कौन जुटाता है? आप बताइए। हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग अपना नहीं कुछ है लेके, अपना देख रहे हैं। दूसरों को हम नहीं जानते हैं? दूसरों को नहीं जानते हैं? तो मायावती कब आ रही है? मायावती पटना मांगे नवम्बर में मायावती आ रही है? मिलेगा मायावती? बिल्कुल मिलेंगे। क्या होगा वहाँ पे? तो क्या होगा आने वाला समय में बताएंगे। कहाँ से है?
धनारी से। सब एक ही जिला से। कितना पैसा लिए? पैसा एक रुपए नहीं, हमने अपना मन लगा रहे हैं। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? हाँ बात कर रहा हूँ। कौन आ रहे हैं? मायावती भतीजे जा रहे हैं। क्या नाम है मायावती भतीजे? आकाश है ना। आपको पता नहीं था लेकिन पता नहीं नहीं ठीक है। झंडा लिए भैया, क्या नाम है? बीकी कुमार। हाँ बीकी कुमार। अच्छा बीकी जी बताइए, जहानाबाद से आप भी हैं? यस। कौन आ रहा है अंदर? जी आकाश आनंद आ रहे हैं। आकाश आनंद जी आ रहे हैं। आप लोग पैसा नहीं लिए? पैसा नहीं, अपना खुद दाम देते हैं, वोट देते हैं। वोट देते हैं, वोट देंगे, देते रहेंगे। अपना जी बस पकड़ देंगे। चलिए देखिए चाचा कहाँ से? हम जहानाबाद जिला से। सब जहानाबाद से? यस। सही सही बताइएगा। हाँ। कुछ नहीं नहीं मिला, अपना भाड़ा चंदा करके फंस लाए हैं। अच्छा। हाँ। लोग कहता है कि पैसा से? नहीं नहीं कहता, तो गलत कहता है। गलत कहता है। अच्छा। हम लोग फॉल्स नहीं करते हैं। फॉल आप लोग किसान उसान है? हाँ किसान है। पगड़ी देख के हम समझते हैं किसान हम लोग हैं। हाँ सर, तो एक बात बताइए, उम्मीद है कि बसपा की या सरकार? उम्मीद है एकदम। अगर बसपा कल गए भाजपा से गठबंधन कर लेगा तो क्या किया? एकदम नहीं। पहले किया कि नहीं किया? छोड़िए, अब नहीं करेगा। अब नहीं करेगा? नहीं करेगा। करेगा तो वोट नहीं दीजिएगा? एकदम नहीं। कह देंगे वोट? हाँ नहीं देगा। चलिए चलिए देखिए। हाँ बताइए, पूछिए सवाल। जो पूछ सवाल पूछा वही कह रहे हैं कि अगर बसपा भाजपा से गठबंधन कर लेगा तो क्या कीजिएगा बिहार में? बीएसपी भाजपा से कभी गठबंधन कर ही नहीं सकता है। आपको इतिहास पता है किया पता है? किया है। जब हुआ था? हाँ। जब हमारे सरकार बन रहा था ना तब अलायंस किए थे। अच्छा। बाकी ऐसे समर्थन नहीं दिए हैं। बिहार में आपको कोई अस्तित्व है? बिहार में कोई अस्तित्व है बसपा का? हाँ अब अस्तित्व है। अब अस्तित्व बना रहे हैं राजनीतिक में? चलिए उतार चढ़ाव होते रहते हैं। हाँ बताइए सर कहाँ से हैं? बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा से। अच्छा लगे विधानसभा बता रहे हैं, टिकट टिकट लगे बसपा? बहुजनों की बात करना है, बहुजनों को जो है राज दिलाना है। अभी तक जो भी सांप्रदायिक ताकत है, तमाम जो परिवारवादी पार्टी और ये तमाम लोग जो है, पार्टी परिवारवादी नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो अभी जो आ रहे हैं वो कौन है? वो मायावती जी के भतीजा नहीं है? भतीजा है लेकिन आखिर वो कार्यकर्ता है ना, काम करने चले हैं। वो एमपी नहीं ना है? हाँ। अब ऐसा नहीं है बिहार की तरह जे माई मुख्यमंत्री, भाई जो है मुख्यमंत्री और पूरा खानदाने परिवार जो है नेता, वैसा नहीं ना। वो कार्यकर्ता है, काम कर रहे हैं। अभी जिसको बोल रहे हैं कल गए बसपा बिहार में उन्हीं के साथ गठबंधन कर लिया तो क्या? नहीं संभव नहीं है। हमारी जो पार्टी है पूरे देश स्तर पर, पूरे देश स्तर पर एक सिंगल पार्टी है कि 554 के 54 सीट पर चुनाव लड़ती है। और समय की मांग, अगर गठबंधन होगा तो हम अपने समान विचारधारा वाले लोगों से। बात बताइए, लोग आपको कहता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी, आप सुने होंगे, ये हम नहीं कहते हैं, वोट कटवा कहता है आप लोगों को, भाजपा को जिताते आप ही लोग? चूंकि जो भी लोग ऐसा कहते हैं, हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए समय समय पर जरूरत, समय की जब मांग होती है तो विचार करना पड़ता है। और वो बड़े हमारे जो नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनका निर्णय है। लेकिन ऐसे अभी वर्तमान समय में पूरे देश स्तर पर कोई सिंगल पार्टी, सिंगल मैन, आप बता दीजिए कि पूरे देश स्तर पर उनका वोट बैंक। एक अंतिम प्रश्न है, आप लोग का आरोप लगता है और ऐसा मैंने भी देखा है, बहुत सारा अलग अलग दल बनाया गया, जैसे कि आप चंद्रशेखर का दल देख लीजिए, वो भीम आर्मी बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ अलग अलग बनाया हुआ है, और आप लोग के समाज को तोड़ने की कोशिश की जाती है। देखिए वो कुछ वैसे लोग हैं जिनको हमारी शक्ति से भय है, वो तरह तरह के अपना काम करते रहते हैं और लोगों को पोषित करते रहते हैं, बैकअप करते रहते हैं, उससे कोई अंतर से खड़ा हो रहे विधानसभा से आप? नहीं अभी ऐसा कोई नहीं है, पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे तमाम साथी लगे हुए हैं। और इस बार बिहार में भी और देश में भी बसपा का, चूंकि कांग्रेस का राज चल गया, भाजपा का राज चल रहा है और बीएसपी का अब राज आने वाला। आने वाला कौन आ रहे हैं आज? आज आकाश आनंद जी हैं जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं हमारे बीएसपी के, वही आने वाले। चलिए देखिए, ये कुछ लोग थे जिनसे हम बातचीत किए और बसपा के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, यानी कि मायावती के जो भतीजे हैं, वो आज यहाँ पहुँच रहे हैं। और आज इनका देखिए पीछे ढोल नगाड़ों से कार्यकर्ताओं का स्वागत हो रहा है, नेताओं का स्वागत हो रहा है। देखिए ये भी यहाँ बजाने हैं, जरा बजाइए बजाइए जरा बजा आप भी बजाइए। कहाँ से? आरबुलुक से। आरबुलुक से। अच्छा कितना पैसा में बुलाया गया आप लोगों को? बुलाया नहीं गया, हम पब्लिक से मांगते हैं। अच्छा
अपने से आए हैं? हाँ, पब्लिक से मांगते हैं। अच्छा, 10-5। अच्छा, पब्लिक से मांगते हैं आप? हाँ। तो आज यहाँ पे भीड़ है तो इसीलिए आप यहाँ बजाने आ गए। हाँ। चलिए, देखिए आपकी बात फिर अलग है। ठीक है, देखिए अभी हमने आपको रूबरू कराया वैसे लोगों से जो बसपा के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आए थे। और देखिए वहाँ आपको अगर मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊँ तो किस प्रकार से जो तमाम बसपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम जो है वो आना चालू हो गया है, और बापू सभागार में इनका जो कार्यक्रम है वो भी होने वाला है। फिलहाल हम भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। आपकी क्या राय इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन दीप के साथ मैं आशुतोष, पटना।